नमस्कार, मैं हूं राहुल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी। आज हमारे साथ भोजपुरी के भोजपुरी सिनेमा स्टार विधायक जी के नाम से फेमस हैं, उनका नाम है सुशील सिंह, आज मौजूद है। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। मुझे बात को ये पता चला कि आपको विधायक जी के नाम से लोग जानते हैं, तो आपको कैसा लगा कब आपको मालूम पड़ा था इसके बारे में? कब मालूम पड़ा? तो जब लोग बुलाने लगे तो मालूम पड़ा। सिनेमा तो अपने आप में एक इतिहास, भोजपुरी के तीसरे चरण के 3 फिल्मों में एक फिल्म है निर्भर इच्छा हो, और हमको भी बहुत दिन तक याद है जब सिनेमा नाइट में नहीं थे, जब छोटे से थे तो हमको नहीं पता था कि गब्बर सिंह नाम नहीं उनका, अमजद खान नाम। तो ये तो हमारे लिए एक मेडल की तरह है, जिस तरह से मिलता है तो एक मेडल है मेरे लिए विधायक। फिल्म रिलीज के बाद ही आपको पता चल रहा था, उसके बाद कुछ समय बाद ही आप? नहीं, फिल्म रिलीज के बाद जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना जी, और जब संतोष मिश्रा जी ने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो जिसके पास भी जाते थे बोलते थे विधायक जी, मैं बोलता था ब्लैंक चेक। और जब हमने पहली बार पढ़ी तो हमें लगा वाकई ब्लैंक चेक है, क्योंकि जो लिखा गया था ये था कि जो लिखा गया है अगर वो शूट हो जाएगा तो इतिहास है। तो जो लिखा गया वैसा शूट हुआ, और फिर म्यूजिक हर डिपार्टमेंट उसका मतलब कमाल था, वो चीज़ें बन जाती हैं एक साथ। और जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि पार्टी में सब लोगों ने, तो वो विश्वास था, वो कहीं से वो घमंड वो गर्व नहीं था। मुझे पता था ये सिनेमा जब रिलीज होगा तो ये साल का सबसे बड़ा हिट सिनेमा। जैसे कि आपने फिल्मों में सबसे ज़्यादा जो है विलेन का रोल किया है, तो कभी ऐसा रियल लाइफ में फेस करना पड़ा है आपको कि लोग कह रहे हो भाई नहीं विलेन आया, या फिर गुंडा कह करके पुकारा हो, कभी ऐसा फेस हुआ आपको? हाँ, जनरली पब्लिक तो बोलती ही है कि रे गुंडा आ जा थोड़े गद्दार। तो उस पर आपका रिएक्शन क्या? रिएक्शन क्या लगेगा उस पर? हम तो ये करने आए थे, हम जो जिस जो काम से करने आए थे, हमको लगा मैं सफल है उसमें, घर लोगों को लग रहा है। जाते हैं घर में किसी के तो सब सकुचाए से रहते हैं थोड़ा सा, तो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ भी था जब हम बचपन में देखते थे कि सामने देख जाता है भी, तो डर ही लगता या लगता कि ये खराब आदमी है। घर में क्या रिएक्शन होता है जब सर आपको जो बाहर लोग कहते भी हैं, और फिर क्या होते हैं फिल्मों में भी आप जो है कि खतरनाक रोल करते हैं विलेन का, तो उस पर घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? कभी उन लोगों ने कुछ कहा या फिर कुछ? नहीं, वो तो मालूम नहीं करना, उनको भी एक्टर नहीं तो अलग अलग तरीके का रोल करता। हाँ, उनको लगता है कि हमेशा गुंडा बदमाशी क्यों करता है, तो लेकिन अब ठीक है जो शूट करता है वो। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि भोजपुरी में जो है कि फिल्म का स्तर थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, म्यूजिक वीडियोस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसा क्यों सर? देखिए, एक दौर आता है और वो चला जाता है। जब VCR आया था, लोगों ने कहा था सिनेमा खत्म हो गया, नहीं चलेगा सिनेमा। CD आया, लगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लॉकडाउन आया, अरे क्या होगा सिनेमा हॉल नहीं चलेगा। ये बदलाव का तो टाइम है ही यार, ठीक है यार, सिनेमा हमारे पास हाथ में, हमको जो देखना हम तुरंत देख लेते हैं, चाहे ये इंडिया का सिनेमा हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे कुछ भी हो, आज हमारे हाथ में सिनेमा। पहले लोग FTI जाते थे तो उनको दुनिया का सिनेमा दिखाया जाता था कि ये फ्रेंच सिनेमा ये है, वो पढ़ाई करते थे, आज आपकी पढ़ाई आपके मोबाइल में, ठीक है। तो सिनेमा कुछ भी, अभी लोगों ने जैसे बोला था कि नहीं, RRR फिल्म लगी थी बिहार में, 5 शो चल रही थी, तो जब सिनेमा होगा खींच लाएगा। अभी भुलभुलैया 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस हुआ, सिनेमा तो खींच लाएगा जी, कुछ भी हो जाए। आप बनाओ तो सही, बनाओगे नहीं तो फिर कैसे उम्मीद करोगे? इन दिनों वेब सीरीज का अगर ज़्यादा प्रचलन है, तो भोजपुरी वेब सीरीज को लेकर के क्या प्रचलन? हाँ, अभी तो एक दो चैनल आए हुए हैं, अभी कुछ रिलीज भी हुए हैं, तो ये तो अच्छी शुरुआत है, और अच्छा लग रहा है कि मतलब चलो और इस फील्ड में भी काम हो रहा है। बशर्ते ये है कि वो भी उसको भी सिनेमा की तरह ना बनाया जाए, जो जिस तरीके की डिमांड होती कहानी की, वैसे कहानियाँ बने और वैसे सीरीजें बने तो अच्छा लगे। भोजपुरी सिनेमा में असलियतता बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, असलियता की बात चूँकि है तो लोग बात करते हैं, और कहाँ से आई है आप भी जानते हैं, उसकी जननी है एल्बम, और एल्बम की जननी इसलिए हो गई क्योंकि पहले किसी को सिंगर बनना होता ना, तो बहुत मजबूत करता था, तैयार करता था, बम्बई जाके स्ट्रगल करता था, तब कहीं जाके माइक पे खड़ा होता था, उस पर दम होता था, तभी माइक पे खड़ा होता था, इतना स्ट्रगल के बाद। आज आप 3,000 रुपया दीजिए, माइक पे सामने खड़ा होइए, ट्रैक में ले जाइए, गाना भी गा के चले जाइए,
ट्यूनर है ही है, वो आपको ठोक पीट के सुनी ला कर ही देगा। तो कंटेंट कहाँ और चलता भी क्या है, और आज देख लीजिए आप मुझे कोई भी चीज़ हो, कितना भी बड़ा हिट कंटेंट हो, एल्बम हो, चाहे वो 2 महीने ज़्यादा मुझे बता दीजिए, 2 महीने में अभी कुछ पहले कुछ मैं बोल दूँ कि कच्चा बादाम चल रहा था, अब कहाँ है वो? डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई है ना, इंस्टा है, फेसबुक है, एक चीज़ चल रही तो वही चल रही है, आपके दिन भर वही चल रही, फिर वो गायब हो गए, फिर आए, लेकिन अच्छी चीज़ सिनेमा अच्छा पुराना नहीं भूलेंगे। भोजपुरी में बदलाव के तौर पर क्या देखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा जी? बदलाव के तरीके पे तो ये तो सबको पता है कि क्या चाहिए, कहानी अच्छी चाहिए, पहले बढ़िया कहानी चाहिए, जो कि बदलाव हो रहा है पिछले 2-3 कोरोना के बाद से, मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फिल्म जिसमें फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, उस वो सब्जेक्ट पर बन रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि जैसे तमिल तेलुगु सिनेमा है जो कमर्शियलिज्म होता है, आप देख लीजिए ना, 1000-1000 करोड़ का बिजनेस, ये भोजपुरी 22 करोड़ में बोल रहे हैं, क्यों नहीं? अनुराग जी से ऐसे किसी ने पूछा कि अनुराग जी भोजपुरी फिल्म नहीं करते, बोले वासीपुर बनाई तो है, तो वो आपको वो करना पड़ेगा, वो किसी को उठाना पड़ेगा, लोग आते हैं, हर आदमी यहाँ आता है, बोलता है भोजपुरी सिनेमा जाना है, और भोजपुरी सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जिसने जो चाहा उसको मौका मिला, राइटर डायरेक्टर बना, राइटर बना, मुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर सबको सब मौका मिला है, एक्टर को भी मौका मिला है प्रोड्यूसर बनने का, प्रोड्यूसर डायरेक्ट करने का, अच्छा किया, उसको अच्छा रिजल्ट किया। अपने आखिरी प्रश्न के साथ समाप्त करना सर, आपका जो है अपकमिंग वेब सीरीज या फिल्म कौन सी है? अपकमिंग वेब सीरीज मेरी 2 है, एक तो अभी मनोज जी के साथ करके आया है, पाठशाला भाई बहुत कमाल की है, मैं पिक्चर एक बनवाई है, अब जैसे आपने कहा था ना कि निर्भर रिक्शा वाले समय आपने बोले, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आपने पंचायत देखी है, पाठशाला से कहीं भी आपको इतना सा भी आपके एक्सपेक्टेशन पे कम नहीं उतरेगी, और बहुत कमाल की है। दूसरी पिक्चर है वो बिहार डायरीज, नीरज पांडे है, एक और फिल्म अभी आ रही है, कॉमेडी फिल्म है सरकार की सेवा। तो सुशील जी आपने न्यूज़ 18 को अपना कीमती वक्त निकाल कर दिया, चुनाव प्रचार का गर्म माहौल चल रहा है, उस बीच आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से आपको और भी भोजपुरी सिनेमा स्टार्स के इंटरव्यूज और उनके दिलचस्प बातें उनके बारे में बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ 18 हिंदी को फॉलो कीजिए, धन्यवाद।